हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम। तो बेसिकली 8.4 ये है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हम जब सम सॉल्व करेंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है वो मैं सम जब सॉल्व करेंगे तो उसी समय मैं आपको बता दूंगा। बट इससे पहले भी मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, आप वो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी के पूरे चैप्टर्स देखना चाहते हो तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 8.1, 8.2 एंड 8.3 और साथ साथ 8.4 के भी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट वन, इफ एक्स हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस राइट विथ एम, एम दैट इज मीन पैरामीटर होता है, एम की वैल्यू है 1, देन फाइंड द पी एक्स लेस देन 1। तो लेस देन 1 गाइस, तो अगर हम लेस देन 1 की बात करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि लेस देन 1 में 1 और 0 सिर्फ यही दो नंबर काउंट होंगे। एंड आपको गिवन है ई पावर माइनस 1। तो गाइस ये एक आपको हिंट गिवन है कि ई पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0.3678 क्लियर। तो ये भी आपका यूज होगा। तो यहाँ पे जो भी पावर्स में वैल्यू होगी गाइस वो पैरामीटर्स की वैल्यूज होती है, क्योंकि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ठीक है, जिसको हम लिखते हैं एक्स सिमिलर पी पैरामीटर्स राइट, और इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ठीक है इक्वल ई पावर माइनस एम एम पावर एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है, एंड डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। तो दैट इज मीन्स ई के पावर में जितनी भी वैल्यूज होगी गाइस वो होगा पैरामीटर यानी कि एम की वैल्यूज। तो अगर आपके क्वेश्चंस में कभी भी फाइंड आउट करने के लिए गिवन होगा एम तो आपको ई पावर एम से ही फाइंड आउट हो जाएगा राइट। तो चलिए अब यहाँ पे देखो ई पावर एम है, तो यहाँ पे अब जो कंटेंट गिवन है वो मैं पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एम इक्वल्स टू 1 गिवन है और ई पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 0.3678। तो ये तो अपना फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई पावर माइनस 1 ठीक है, एम की वैल्यू है गाइस 1 और एक्स सेम ऐसे ही रहेगा एंड अपॉन में एक्स फैक्टोरियल्स, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। देन गाइस अब आपको यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो चलिए देख लेते हैं। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन इससे पहले आपको सॉल्व करने से पहले आपको ई की वैल्यू गिवन है क्लास ई पावर माइनस 1। तो ई पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 0.3678 राइट, और यहाँ पे एक्स पावर सॉरी 1 पावर एक्स गिवन है, ये इनटू में है और ये एक्स फैक्टोरियल्स। अब आपको ये जो कंडीशन गिवन है इस कंडीशन में आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 1 लेस देन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, ये दो कंडीशन हो जाएगा क्योंकि लेस देन है ना, तो 0 और 1 आएगा। तो दैट इज मीन्स एक्स के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 और 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास ये कंडीशन है, तो 0.3678 राइट, फिर यहाँ पे इनटू है गाइस 1 पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, देन प्लस 0.3678 इनटू 1 पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल्स। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 0 फैक्टोरियल्स मतलब क्या है, अपॉन में 0 है और अपॉन में 0 आ जाएगा तो उसको नॉट डिफाइन कंसिडर कर देते हैं, या तो उसकी वैल्यू सीधा 0 ही लिख देते हैं क्योंकि अपॉन में 0 है तो 0 ही होगा या तो नॉट डिफाइन होगा, ये दो कंडीशन लिख के आ जाते हैं जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। अब जो 0 फैक्टोरियल्स है, जैसे मैंने बेसिक वाली वीडियो में बता दिया था कि 0 फैक्टोरियल दैट इज में हो जाता है 1, और किसी के पावर में कोई भी 0 आएगा गाइस तो वो भी हो जाएगा 1। तो मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, 1 अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 0.3678, ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट में 1 पावर 1 है और 1 फैक्टोरियल से दैट इज में 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पे भी सेम आएगा 0.3678। इसको ऐड कर देंगे क्लास तो आंसर आएगा 6537 ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 की वैल्यूज, बट आपके टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू गिवन है वो है इनकरेक्ट। तो गाइस तो ये करेक्ट आंसर है, आप उसको चेंज कर ले, मॉडिफाई कर ले।
तो सम नंबर फर्स्ट हो गया गाइस, जिसके अंदर आपको इफ एक्स हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, उसका पैरामीटर 1 गिवन था। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए इसको फटाफट आप वीडियो पॉज करके या इसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, एक्स सिमिलर पी इन द ब्रैकेट 1/2, देन फाइंड पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 गिवन ई पावर -0.5 इक्वल्स टू 6065। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सिंपल सा कंटेंट गिवन है, ज़्यादा कुछ हार्ड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं गिवन है। तो ये इजी क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन आपको m की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान देंगे तो m की वैल्यू नहीं गिवन है। अगर ये क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। बट जो m की वैल्यू गिवन है वो टू डिफरेंट वे से गिवन है। तो फर्स्ट में मैं आपको बता दूं कि m की वैल्यू कहाँ पे होगी। तो x सिमिलर p इन द ब्रैकेट m, राइट। तो गाइस, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग कि x सिमिलर p ब्रैकेट में m है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई है, 1/2। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे मुझे m की वैल्यू मिल गई है 1/2। 1/2 को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है। या तो 1/2 लिखूँ या तो 0.5। अब मैंने 0.5 क्यों लिया हुआ, इसका भी रीज़न है। 0.5 लेने का मतलब है कि e पावर में देखा जाए तो -0.5 है, क्लियर। क्योंकि e के पावर में हमेशा m आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है -0.5, इसीलिए मैंने 1/2 को मैंने 0.5 कंसिडर कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कि p ऑफ x इक्वल्स टू x इन द इक्वल फिर e पावर m m x अपॉन x फैक्टोरियल्स, राइट क्लास। चलिए नेक्स्ट वन, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो e पावर में क्या 0.5 और m की वैल्यू हो गई है 0.5x अपॉन x फैक्टोरियल्स। अगर हम देखें e पावर 0.5 का वैल्यू कितना है, 0.6065, और यहाँ पे 0.5 पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, राइट। अब क्लास, हमारे पास कंडीशन क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3, मतलब x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें 3 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे आएगा 0.6065 और 0.5 पावर में 3 आएगा क्लास। यहाँ पे x है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 और अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल्स, ठीक है। यहाँ पे तो 0.6065 और हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट इसका क्यूब करते हैं हम लोग, 0.125, राइट, अपॉन 3 फैक्टोरियल्स, मतलब 3 × 2 × 1। 0.6065 का अगर हम 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0758, ठीक है। बेसिकली 0. इधर पे 77 आएगा, ठीक है, और अपॉन में 6 हो जाएगा। अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 0.0126, ठीक है, तो 1 कैरी होगा, इधर पे आएगा 17, तो यहाँ पे 6 टू ज़ा, तो यानी कि आंसर आएगा आपके पास 0.01262। तो ये हो गया गाइस सेकेंड सम कंप्लीट, जिसमें आपकी कंडीशन थी कि x इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए। तो गाइस, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एक क्लास, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे इफ x हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m एंड p ऑफ x इक्वल्स टू 2 इक्वल p ऑफ x इक्वल्स टू 3, यानी कि यहाँ पे जो p x इक्वल्स टू 2 है और p ऑफ x इक्वल्स टू 3 है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, इक्वल में गिवन है, यानी कि जो इसकी वैल्यूज होगी और सेम उसकी वैल्यू ये भी होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है और आपको फाइंड आउट करने के लिए गिवन है कि p ऑफ x क्या हो जाएगा, मोर देन 2, और यहाँ पे आपको हिंट गिवन है, यानी कि e पावर -3 गिवन है 0.0497।
तो गाइस यहाँ पे सेम करना है आपको, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। फर्स्ट वन आपको क्या फाइंड आउट करना है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, ये दोनों की जो वैल्यूज आएगी उसको हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है आपको पहले से ही क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल, और इक्वल होने के बेस पे गाइस हमें वैल्यू मिल जाएगी एम की, ठीक है। और यहाँ पे e पावर माइनस 3 गिवन है, तो यहाँ पे भी m की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशंस है, फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी कि x सिमिलर p ऑफ m, p ऑफ x इक्वल्स टू x, राइट, e पावर m, m पावर x, और x फैक्टोरियल्स, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम आते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 2, यानी कि मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 2 मिल गई है गाइस। तो e पावर m, राइट, और यहाँ पे m और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल्स। अगर हम 2 फैक्टोरियल्स की बात करें तो 2 इंटू 1 होगा गाइस, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, तो मतलब न्यूमेरेटर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, डिनोमेटर्स की वैल्यू हो जाएगी 2। देन नेक्स्ट वन है p ऑफ x इक्वल्स टू 3, राइट, तो e पावर माइनस m, m यहाँ पे आ जाएगा m पावर क्यूब या m पावर 3, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल्स। अगर हम 3 फैक्टोरियल्स की बात करें तो 3, 2, 1, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6, तो मतलब न्यूमेरेटर्स की वैल्यू हो जाएगी सेम, डिनोमिनेटर्स की वैल्यू हो जाएगी 6, क्लियर है यहाँ तक। अब हम ये जो कंडीशन गिवन है, देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, राइट, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 की वैल्यू कितनी आई, ई पावर माइनस एम, एम पावर 2 अपॉन 2 इक्वल ई पावर माइनस एम, एम पावर 3 अपॉन 6, क्लियर गाइस। यहाँ पे e पावर माइनस m और e पावर माइनस m दोनों कॉमन है तो कट हो जाएगा, राइट, बट m स्क्वायर और m क्यूब कट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2m क्यूब इक्वल्स टू m स्क्वायर, सॉरी 6m स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे m 3 टाइम है तो 2 टाइम हम डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा m 6m स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, ठीक है। ये 2m क्यूब है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 टाइम ले लिया, 1 टाइम यहीं पे रहने दिया, तो इसका मतलब होता है क्यूब। तो m स्क्वायर कट हो जाएगा गाइस, फिर 2 3 इज़ 6, तो m की वैल्यू मुझे मिल गई है 3, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि m की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो फर्स्ट वन मैंने फाइंड आउट कर लिया कि m की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है, p ऑफ x, राइट, मोर देन इक्वल्स टू 2, ये मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मोर देन इक्वल्स टू 2 है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा लेस देन में, तो p लिखने से पहले लेस देन में कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 2। यहाँ पे लेस देन इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे मोर देन इक्वल है, क्योंकि ये लेस देन 2 होगा, 2 से कम होगा, 2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 2 के इक्वल नहीं होगा, 2 से लेस देन में ही होगा इसकी वैल्यूज। तो चलिए, तो 1 माइनस, अभी यहाँ पे 2 है, लेस देन 2 कितना होगा, 0 और 1, तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1, राइट, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशंस आई है, ठीक है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि जो अपने पास फॉर्मूलाज है उसमें हम वैल्यू लिख देंगे गाइस। चलिए हम इसमें पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं e पावर माइनस 3, m की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, तो m 3 हो गया, और x की वैल्यू क्या रखेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो फर्स्ट वन 0 और अपॉन में आएगा 0 फैक्टोरियल्स प्लस e पावर माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, तो 1, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल्स, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस। अभी गाइस यहाँ पे देखो e पावर 0 हो गया और 0 फैक्टोरियल्स हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और यहाँ पे e पावर माइनस 3 होगा, राइट, तो यहाँ पे 1 माइनस e पावर माइनस 3
अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, प्लस e पावर माइनस थ्री, और थ्री के पावर में भी वन है और यहाँ पे वन फैक्टोरियल से, तो मतलब वन फैक्टोरियल मतलब वन ही हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा थ्री एक्स सॉरी थ्री ई पावर माइनस थ्री। क्लियर है यहाँ पे? देन वन माइनस ई पावर माइनस थ्री, ये हो गई वैल्यूज, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा ई पावर माइनस थ्री, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा वन प्लस थ्री, तो वन माइनस ई पावर माइनस थ्री की वैल्यू है 0.0497, और थ्री प्लस वन करेंगे तो कितना आएगा आंसर फोर, तो वन माइनस, क्लियर? अब फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर सेवन ज़ा 28, टू कैरी, फोर नाइन ज़ा 36, 38, थ्री कैरी, फोर फोर ज़ा 16, तो 19 हो जाएगा यहाँ पे 0.1988। अब हम माइनस कर देंगे क्लास, वन से माइनस करेंगे तो दैट इज मीन्स आंसर आएगा 210, ठीक है, फिर 8.0, यानी कि 0.8012, ये मेरा हो गया आंसर। तो इस तरीके से अगर क्लास हमें m यानी कि पैरामीटर गिवन नहीं होगा तो हम m किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बता सकते हैं कि जो कंडीशंस है, ठीक है, वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो गाइस ये जो सम था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीन सम्स हो गए एक्सरसाइज 8.1 में से, सॉरी 8.4 में से। वीडियो में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और अपना जो सिलेबस है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप इसको नोट डाउन करके रखिए।